फ्रेंड्स, तो इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आप एंड्रॉइड ऐप कैसे डेवलप कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एंड्रॉइड ऐप। आपने बहुत सारे ऐप देखे होंगे और उसको इंस्टॉल भी किया होगा, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक। यहाँ पर बहुत सारे फेसबुक और बहुत सारे ऐप अवेलेबल है जो आप बना सकते हो। आप अपना दिमाग लगा के कोई भी अच्छा ऐप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो। अब एक बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे IDE होंगे, लेकिन यहाँ पर बेस्ट जो IDE होता है, IDE मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप एक ऐप डिज़ाइन कर सकते हो और एक ऐप डेवलप भी कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर की ऑफिशियल साइट पर आपको एक फ्री में एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो कि कंप्यूटर के लिए है, PC के लिए, विंडोज़ के लिए और iOS के लिए भी होगा ही। अगर आप विंडोज़ में हैं तो यहाँ पर जाके डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हो यहाँ पर ओल्ड वर्जन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लिए कोई भी विंडोज़ वाला वर्जन चूज़ कर लेना है। सबसे पहले आपको जाना है नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक, या फिर आप सर्च करते हो गूगल पे developer.android.com/studio, तो वहाँ पर आपको डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर वो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़ पर कर देना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर दिया है। अब बात करते हैं IDE एंड्रॉयड स्टूडियो ही क्यों। आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारा अच्छा इंटरफेस आपको यहां पर दिखने को मिलेगा। देख सकते हो इमेज व्यू बहुत ही अच्छा है यहां पर, एज यू कैन सी हियर, बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको यहां पर मिलेगा। और तो और अभी मार्केट में यही ऐप ज़्यादा चल रहा है। आप यहां पर देख सकते हो यहां पर बहुत सारे डेवलपर इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं बात करूँ कि आपको अपने बिट के तरीके से, आप अगर आपके पास 30 बिट का PC है तो उसमें डाउनलोड कीजिए, और 64 है तो उसमें, नीचे आपको 30 बिट वाला भी मिल ही जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और ऐसा न्यू प्रोजेक्ट पर जाके आप MPT प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। एज यू कैन सी हियर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है और बहुत सारे बटन्स है। आपको सबसे पहले ठंड रखनी है और टेंशन नहीं लेना है। आपको ये बटन सारे एक एक करके मैं समझा लूँगा, लेकिन आज हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है इन्वायरमेंट हमारा। अगर आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़े, जैसे कि आपको ये ब्लैक थीम पसंद नहीं है, तो आप फाइल में जाइए और जाइए सेटिंग में, वहाँ पर आप अच्छी तरह से कोई अपनी तरह से सेटिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। यहाँ पर आप जाइए एडिटर में और जाइए जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग मिलेगी, आप अपनी तरह से कोई भी सेटिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पर जाके फॉन्ट में जाके आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी फॉन्ट की साइज अपनी तरह से चेंज भी कर सकते हो, बाद में जाए कलर में, बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग है। लेकिन जनरल सेटिंग में यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जाना है कलर सी में, और आपको यहाँ पर तीन थीम दिखाई देगी। पहली है डिफ़ॉल्ट, दूसरी है डेकोला, तो तीसरी है हाई कॉन्ट्रास्ट। आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ही आएगी, जो कि डिफ़ॉल्ट है वाइट कलर की। मैंने ड्रैकुला मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ड्रैकुला ही रखता हूँ, और आप अपनी तरह से सेटिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे IDE के बारे में, मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल एडिट, वो सब तो कॉमन ही है। आप जब भी न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर ऐप और यहाँ पर वेड स्क्रिप्ट मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जावा के अंदर, आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा आपको यहाँ पर इंटरप्रिटर मिलेगा, मतलब इंटरप्रिटर मत नहीं तो यहाँ पर आप जावा में देख सकते हो आपको यहाँ पर बहुत सारे RES और बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। सबसे पहले आपको जाना है जावा में, और आपको यहाँ पर मिलेगा
RES में आपको मिलेगा एक्टिविटी मेन XML। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेन एक्टिविटी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले से खोला हुआ है। एक्टिविटी मेन डॉट XML में आप बहुत सारे डिजाइनिंग कर सकते हो और यहाँ पर आपको ब्लू प्रिंट भी मिलेगा। आपको ये ओपन कर लेना है। जब भी आप एक बार ओपन करेंगे तो जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अब बात कर रहे थे मेन एक्टिविटी डॉट जावा के बारे में, आपको ये भी ओपन कर लेना है। एक्टिविटी मेन डॉट XML एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा, आपने जो भी नाम रखा है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड नाम रखा है इस प्रोजेक्ट का, आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें ओपन कर लेनी है। अब बात करते हैं एक्टिविटी मेन, में क्या आपको इंटरफेस मिलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने VB की मेरी पुरानी सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पर आप अपने ऐप की डिज़ाइनिंग कर सकते हो और यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। अगर आपने एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन की एक एप्लीकेशन बनाई है तो आपको पता होगा कि उसमें आप फॉर्म रजिस्टर करने के लिए यूज़र नेम, ID, पासवर्ड और वो सब डालना पड़ता है। जब भी आप यूज़र नेम, ID और पासवर्ड डालते हो और जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपको एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट किया जाता है। वो जो नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हुआ वो हम कोड यहाँ पर लिखेंगे और वो जो आपने डिज़ाइनिंग की वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम अपने ऐप की डिज़ाइनिंग करेंगे। आप कंट्रोल जूम करके आप इसको जूम भी कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जूम किया है। और यहाँ पर आप मेन एक्टिविटी में आप सारा कोड लिखोगे, जैसे कि ये होता तो ये करो, ये होता तो ये करो, कंडीशन डालेंगे और बहुत सारा कोड। अब बात करते हैं कोड किस में लिखेंगे। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको एक दो ऐप वो सिलेक्ट करना आएगा, वहाँ पर आप जावा और कोटलिन दो सिलेक्ट करना आएगा। आपको क्लिक करना है जावा पर, क्योंकि हम इसमें जावा पढ़ेंगे। कोटलिन भी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको जावा आता है तो आपको कोटलिन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो जावा पर सिलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा और आगे नेक्स्ट पेज पे आपको सारे वो डिटेल भरनी है और आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो ये मेरा पेज खुला हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये प्लेटर के बारे में, यानी हमारे टूल के बारे में। प्लेट मतलब हमारा टूल है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट, बटन, विजेट, कॉमन और यहाँ पर बहुत सारे गूगल का भी है मैप। तो आप यहाँ पर आपको कभी पता होगा कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है। ये हमारी स्क्रीन है जो कि हमारे मोबाइल में दिखेगी, ये हमारी स्क्रीन है। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेने के लिए इसको मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आया हूँ। एज यू कैन सी बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट में जाया मैंने अभी टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, जिससे टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ दिखेगा, हम उसमें एडिट नहीं कर सकते। इसका नाम है टेक्स्ट व्यू। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ लाया, यहाँ भी आपको दिखाई देगा। जब भी हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे मैं इसको, हमें यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी। ये सारी इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। अगर आपको VB में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सिम थोड़ा VB जैसा ही है, VB 6.0। जब भी मैं इसको जूम करूँगा तो यहाँ पर लिखा आया है टेक्स्ट व्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। तो अभी मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा वेलकम टू ऑल इन वन कोड। तो मैंने सिंपली लिख दिया। अब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इसका चेंज आ जाएगा, देख सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ले जा रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसको अभी चेंज कैसे करें। तो अभी इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमें साइज़ चेंज करनी है। सबसे पहले तो हम जाएंगे सर्च बार में, यहाँ पर लिखेंगे साइज़, यहाँ पर आपको मिल जाएगी टेक्स्ट साइज़, ये है। टेक्स्ट साइज़ में रख देता हूँ 36 रखता हूँ, अभी जो अच्छी लगे वो मैं रखता हूँ। अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलेगा। अभी मैंने इसको 24 रख दिया,
तो अब ये बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है बीच में, एज यू कैन सी। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होगा ही कलर का, तो मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ता है या फिर सर्च भी कर सकते हो आप। एज यू कैन सी ये रहा टेक्स्ट कलर, यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू कलर पर सिलेक्ट करता हूँ और हमारे ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो ये हमारा एक ऐप है जिसमें जब भी हम ऐप खोलेंगे तो हमें ये विवेक वेलकम टू ऑल इन वन कोड ये दिखाई देगा। तो ये हमारा सिंपली टेक्स्ट है, इसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, सिंपली टेक्स्ट है। सो एज यू कैन सी, और यहाँ पर हमें ब्लू प्रिंट भी मिलती है। आपको आगे पता चल जाएगा कि ये ब्लू प्रिंट क्यों काम लगती है, लेकिन ये अभी सिंपली अभी अच्छी है, हमें मदद करती है कि हमें अभी क्या हमारे पोजिशन किस साइड है और हमारा एट्रीब्यूट क्या है, मार्जिन क्या है, वो सब। तो अभी आप देख सकते हो इसको हम इसे करके, अभी मैं इसका मतलब मैं आगे दिखाऊंगा। इसकी प्रॉपर्टी में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्स्ट्रेंट विजेट लिखा हुआ है। अब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करके इसे ड्रैग करोगे तो ये साइड में आ जाएगा। यहाँ पर जीरो लिखा आता है, मैं इसको ड्रैग करके जब भी यहाँ पर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर 44, 60 ऐसा सब लिखा रहा है। तो ये हमारी वो होती है ना, डिज़ाइन को चेंज कर रहा है, मतलब अभी मार्जिन सेट कर रहा है, वो सब कर रहा है। अब देख सकते हो अभी लेफ्ट साइड से कर रहा है। तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि लेफ्ट साइड से हमारा मार्जिन इतना है, तो ये हमें करना ही है। अब अपनी तरह से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मैं आगे भी इसके बारे में और बताऊँगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट की प्रॉपर्टी में जाकर भी आप चेंज कर सकते हो। विजिबिलिटी भी है इसमें, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर वन, आप अपना मोबाइल कनेक्ट करें और उसमें डीबग चालू करें। अगर आपको पता नहीं कि डीबग कैसे चालू करते हैं, तो आपको सबसे पहले जाना है YouTube में जाना है और वहां पर आप जाके डीबग चालू कर सकते हो और सर्च करना है अपने मोबाइल का नाम और डीबग, वो सब चालू कर सकते हो YouTube में जाकर आप सर्च करके। अब बात करते हैं डीबग चालू करने के बाद आप अपने मोबाइल में ही ये ऐप इंस्टॉल कर लेगा अपने आप। मोबाइल में ही आप इस ऐप को देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप यहाँ पर जाइए और सिंपली आपको क्लिक करना है, एक नया मोबाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर एक रन की निशानी होगी ट्रायंगल जैसी, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक वर्चुअल मोबाइल डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपनी तरह से कोई भी आपको मोबाइल चूज कर लेना है पिक्सेल का, और वहाँ पर आपने इस तरह से स्क्रीन साइज और ओएस सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर एक वर्चुअल मोबाइल सिलेक्ट कर देना है। बाद में आपको एक ऐसा मोबाइल दिखेगा जहाँ पर आप, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको रन करके, आपको यहाँ पर देख रहा होगा बिल्डिंग रनिंग, आपको ये होने देना है। लोड बिल्ड, कॉन्फिगर बिल्ड, ये सब हो जाने के बाद आपने जो वर्चुअल मोबाइल क्रिएट किया है उसमें आपको अपना ऐप दिखाई देगा। आप मैं आपको दिखाता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ पर इंस्टॉल और लंच हो रहा है। आप देख सकते हो इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड इन 19 मिनट 19 सेकेंड, और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा कोड। एज यू कैन सी वेलकम टू ऑल इन वन कोड आ गया है। ये है, हमने एक ऐप बना लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमने एक ऐप बना लिया है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम था हेलो वर्ल्ड, इसीलिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख ला रहा है, यहाँ पर वेलकम टू ऑल इन वन कोड। हमने इस साइड मार्जिन सेट की थी, आप देख सकते हो, इसलिए इस साइड मार्जिन आ रही है लेकिन ऊपर की साइड नहीं आ रही है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आप इसे भी कर सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड मार्जिन सेट कर लिए हमने, यहाँ पर से भी आप कर सकते हो। एज यू कैन सी इसको थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। अब हम बनाएंगे एक ऐप बनाएंगे, और अब मैं आपको बटन व्यू, बटन और वो सब के बारे में आपको बताऊंगा। अब हमें जाना है टेक्स्ट में, और वहाँ पर जाना है प्लेन टेक्स्ट में। अगर आपको पता होगा कि यूज़र नेम पासवर्ड कैसे दिखते हैं, तो ये है यूज़र नेम के लिए, यहाँ पर आपको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एज यू कैन सी यहाँ पर नेम लिखा आ रहा है, वैसे ही हमारे पास पासवर्ड के लिए भी हमें इसे भी लेना है।
यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया है। तो अब ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। जब भी मैं इसको चेंज करूँगा इसकी मार्जिन अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आएगा, इसको आपको चेंज करना है। आप नीचे जाके यहाँ पर नेम को डिलीट कर दीजिए क्योंकि मैं यूज़र नेम में कुछ भी नहीं लिखना है अभी। अभी आपको जब भी आपने यूज़र नेम अभी देखा होगा कभी मोबाइल में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एंटर यूज़र नेम ऐसा लिखा आता है। आपको सर्च करना है, हिंट सर्च करना है यहाँ पर। ये इसकी प्रॉपर्टी है हिंट नाम की। यहाँ पर आपको लिखना है एंटर यूज़र नेम। तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा आ जाएगा एंटर यूज़र नेम। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पर भी हिंट में लिखता हूँ एंटर पासवर्ड। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक फॉर्म जैसा बना दिया है एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड। जब भी हम यूज़र को यहाँ पर एंटर कराएंगे तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर होगा, कुछ भी टेक्स्ट। अब बात करते हैं बटन के बारे में। अभी ये इसको कर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बटन हैं। अभी हम चूज़ करेंगे पहला बटन जो कि है बटन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ चेक बॉक्स, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। इसकी सभी आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर लिखा आया है चेक बॉक्स। यहाँ पर मैं इस सर्च को हटा देता हूँ और इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। सो एज यू कैन सी टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो जब भी हम यूजर से यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर टिक होने का आवाज़ भी आएगा और यहाँ पर टिक भी हो जाएगा। तो अब ये हो गया है। अब हम बनाएंगे बटन। बटन के लिए सबसे पहला बटन है उसको ड्रैग कर लेते हैं। आ गया है बटन, एज यू कैन सी बटन आ गया है। इसको मैं सबसे पहले ये मार्जिन इसका मैंने नहीं किया था इसलिए मैं इसका मार्जिन में अच्छी तरह से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आ गया है मार्जिन। मैं इसको यहाँ पर बना है ना पूरा एक ही लाइन में पूरा सब आ जाएगा इसीलिए हमें मार्जिन और वो सब अच्छी तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर बटन के भी मार्जिन सेट कर दिए। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमने फॉर्म जैसा बना दिया है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके रन कर देना है। जैसे ही आप रन करेंगे यहाँ पर बिल्ड रनिंग बिल्ड और वो सब आ जाएगा। आपको थोड़ी देर ठंड रखनी है और थोड़ी देर के बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा जो कि आपका इम्यूलेटर था उसमें आपको वर्चुअल इम्यूलेटर पर आपको दिखाई देगा। एज यू कैन सी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है हमारा ऐप। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा इंस्टॉलिंग। आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है अभी। इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड इन 17 सेकेंड और हमारा ऐप यहाँ पर खुल गया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है, एक ऐप बनाया है। यहाँ पर आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पर पासवर्ड जब भी आप कोई भी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये डॉट का सिंबल आएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, हमने हमारा सबसे पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो वेलकम टू ऑल इन वन कोड, यहाँ पर पासवर्ड यूज़र नेम और यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट टूल भी हमने इस बटन भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर बटन की जगह हम लॉगिन करना भूल गए, आप लॉगिन भी कर सकते हो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके क्योंकि मैंने यहाँ पर भी किया, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। बटन की जगह हमें लिखना है लॉगिन। एज यू कैन सी हमें यहाँ लॉगिन का आ जाएगा। लेकिन आपको फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड तो लिखा लेकिन जब भी मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो फ्रेंड्स ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर बटन के अंदर कोई कोड ही नहीं लिखा है, इसलिए हमें यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हमें कोड लिखना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बटन कैसे काम करता है, उसका कोड क्या है, जावा में हम कैसे कोड लिख सकते हैं। लेकिन आज के लिए आपको फ्रेंड्स आपको घर पे यहाँ पर सब बटन और ये सब ट्राई कर लेने हैं। यहाँ पर बटन से विजेट से लेयर्स आउट है बहुत आप यहाँ पर मिल जाएगी। आपको जो भी आपको थोड़ा सिंपल लगे वही ट्राई करें, जैसे कि टेक्स्ट और बटन ये भी ट्राई करें। सब आपको बटन ट्राई कर लेने एक एक बार, और आपको अपने मोबाइल में भी आप रन करा सकते हो ये ऐप।